ल्चरल साइकोलॉजी वी हैव स्टार्टड डिस्कशन एंड टॉक ऑन इमोशंस सो लेट्स लुक एट समोशन रिसर्च हमने यूनिवर्सल इमोशंस की बात की थी जब इमोशंस का जिक्र शुरू किया है फिर हमने ब्रेन की बात की ये जो इमोशंस की स्टडी है ना इसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है और बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो इंसान महसूस करता है वो जज्बे हैं हमने प्राइमरी इमोशंस की बात की सात बेसिक इमोशंस की बात की तो कोई वक्त जो है हमारा जज्बे से ख़ाली नहीं होता वरना इंसान और रोबोट में कोई फ़र्क नहीं होता हम कभी चिड़े हुए हो सकते हैं कभी खुश हो सकते हैं कभी जो और कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा जज्बे हैं जैसे नफ़रत है या हसद है या फिरचुअलिटी है जिसको जज्बा भी नहीं कहा जा सकता लेकिन वो इंसान के पूरे दिल को इन्वॉल्व कर लेती है हमदर्दी है तो ये सारे जो जज्बे हैं इंसान के ये इनकी स्टडी जो है इसका कोई तुक बनती है इसकी बिल्कुल तुक बनती है क्योंकि इंसान एक ऐसी हस्ती है जो बहुत सारे इमोशंस यानी अफेक्टिव पिनॉनमान जज्मों को महसूस करती है और रिसर्चर्स और आम बंदा हर कोई इमोशंस को समझना चाहता है या उसके ऊपर बात करता है हमारा लाइफ लॉन्ग एक इमोशंस के बारे में सोच होती है और हम गुफ्तु बात करते हैं मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं महसूस कर रहा तुम्हें ऐसा महसूस करना चाहिए तुम्हें ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए अगर हम ऐसे करेंगे तो दूसरे क्या महसूस करेंगे इस वक्त मेरे अंदर बड़ी उदासी है इस वक्त मेरे अंदर बड़ी खुशी है सारा दिन ये गुफ्तु होती है अगर हम गुफ्तु नहीं कर रहे होते तो हम अपने अंदर एक रील चला रहे होते हैं कि मैं इस पर कौन सा जज्बा महसूस कर रहा हूँ तो इमोशन्स की जो ज़बान है वो एक पेचीदा वर्बल और नॉन वर्बल जबान है और कम्यूनिकेशन सिस्टम है जो बहुत कुछ एक्सप्रेस करता है और उसके बारे में जो बात की जाती है उसको एक्सप्रेस करता है इमोशंस हमारी ज़िंदगी को मतलब भी अता करते हैं रंग भी हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं और हमारी थाट्स और आइडियाज़ को एक तरह की कलरफुल चीज़ बना देते हैं क्योंकि इमोशंस के बग़ैर थॉट्स और आइडियाज़ जो हैं वो बिल्कुल बेरंग होंगे हम यूनिवर्सल इमोशंस की तस्वीरें देख चुके हैं और अगर आपको याद है तो एंगर बिल्कुल ठीक खुशी सरप्राइज़ सैडनेस फियर कंटेप्ट और लास्ट डिस्कस यानी कराहत रिसर्चर्स चार्ल्स डाल्विन के ज़माने से ये बात कह रहे हैं कि इमोशंस का एक फ़ायदा होता है और उस फ़ायदे के लिए इंसान में ये इमोशंस रखे गए हैं अब मोहब्बत हो या किसी चीज़ से कराह तोड़ी हो उन सब का एक मकसद है कोई हमें किसी चीज़ से हटाने के लिए और कोई हमें किसी चीज़ की तरफ ले जाने के लिए तो ये हमारे सर्वाइवल और हमारी वेलबींग well को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सवाल जो इमोशंस की रिसर्च में उठा था वो ये था कि क्या यूनिवर्सल इमोशंस यूनिवर्सल हैं इमोशंस सभी लोग ये सब कुछ महसूस करते हैं या कोई कल्चरली स्पेसिफिक इमोशंस भी होते हैं जो किसी ख़ास कल्चर में पाए जाते हो तो अभी तक रिसर्च किताबें और पुरानी जितनी हिस्ट्री में लिखी हैं चीज़ें ड्रामे हैं या शायरी है या मखतूते हैं और इवन जो सेक्रेट बुक्स हैं उसमें कहीं ये पता नहीं चलता कि इमोशंस जो हैं वो यूनिवर्सल नहीं हैं हाँ इमोशंस का एक्सप्रेशन कल्चर स्पेसिफ़िक हो सकता है ठीक है ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कहा जाता है बनी नोए इंसान हर मुक़दस किताब में यही कहा जाता है तो इसका मतलब है कि हमें जो चीज़ें कॉमन है उनको एड्रेस किया जा रहा है तुम डरो उस दिन से या तुम खुश हो जाओ कि तुम पे मेहरबानी की जाएगी आखरत में तो इसका मतलब है कि पूरे बनी नोए इंसान को कहा जा रहा है अब इसके बारे में कुछ रिसर्चर्स जिन्होंने ये तस्वीरें यूज़ की हैं अपनी रिसर्च में उन्होंने ये कहा है कि एक बायोलॉजिकली बेस्ड कोर इमोशन सिस्टम है जो जिसम में बेस्ड है हमारी बायोलॉजी में बेस्ड है दैट इज़ कैलिबरेटेड कैलिब्रेशन होता है जैसे ये कैमरा या आवाज़ है वो कम या ज़्यादा के साथ एडजस्टमेंट करते हैं तो ये इमोशंस का जो निज़ाम है बायोलॉजिकली वो ऊपर या नीचे उसकी टोन हल्की होना उसकी लाइट मध्यम होना या तेज़ होना ये रेगुलेटरी इसके अंदर एक चीज़ चल रही होती है और ये रेगुलेट होता है ये कैलिब्रेटेड होता है आपके दिमाग आपके जज्बों के साथ मिक्स होके एक दूसरे से हम आहंग हो रहा होता है और ये कल्चर इसको और फैलाता है और कल्चरल लर्निंग इसके अंदर हमें कुछ और चीज़ें देती है तो ये इन रिसर्चर्स की जो है वो इसके बारे में राय है जिन्होंने ये तस्वीरें इस्तेमाल की। लास्ट पॉइंट ये है कि इमोशन एवेलोशन कैसे है जब आप मुस्कुराते हैं तो आप एक जजमेंट दे रहे होते हैं कि एवेलेशन दे रहे होते हैं कि ये चीज़ अच्छी है और जब आप ये वाली शक्ल बनाते हैं जो इंसाब ने बनाई हुई है तो वो ये होती है कि हाँ बस तुम या तुम्हारी चीज़ मुझे को इतनी पसंद नहीं आई इसका मतलब है कि इमोशन एक एवेलुएशन भी है कुछ कहे बगैर भी आप किसी चीज़ के बारे में एक राय नतीजा या जजमेंट दे देते हैं